वेलकम बैक टू DIGITL डिजिटल खिचड़ी। दोस्तों मेरा नाम है धवल और आज मैं बात करूंगा किस तरह से आप अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल को बढ़ा सकते हो। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पांच शानदार सुझाव जिससे कि आप इसको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। बट यदि अभी तक आपने मेरा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही करें। और हाँ, अब तक यदि आपने बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज आज ही करें, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियो सबसे पहले मिलेगी। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। जी हाँ, एक्टिव लिसनिंग माने बोलने वाले इंसान को हम पूरे एक्टिव होके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, पूरे अटेंशन के साथ सुन रहे हैं, उसको हम एक्टिव लिसनिंग में काउंट कर सकते हैं। एक इसके लिए यूजफुल हो सकता है, तो चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, सबके लिए स्किल अपडेट बेनिफिशियल होने वाली है। आप इस स्किल का यूज कहाँ पे कर सकते हो? सुबह से लेके अंत तक आप जिस किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सभी जगह पे आप इस स्किल का यूज कर सकते हो। पहले नंबर पे आएगा पे अटेंशन। जी हाँ, हम जब कभी भी सामने वाले इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हम उनकी बात पूरी अटेंशन देके सुने। उनकी बात हमको कभी भी बीच में रोकनी या टोकनी नहीं है। हम एक एग्जांपल से उसको समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक मोबाइल है, हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर समझ लो वोडाफोन जियो है, वो XYZ कंपनी है, ठीक है। तो हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, हम जब कभी भी फ़ोन लगा रहे हैं तो बीच में से फ़ोन कट हो रही है, अच्छी तरह से SMS नहीं जा रहे, हमारी नेट की कनेक्टिविटी काफ़ी स्लो है, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए और हम काफ़ी गुस्से में आ गए, हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो चुका है। और उसी गुस्से, उसी फ्रस्ट्रेशन में हम हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर को फ़ोन लगाते हैं। अभी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हमने पूरे गुस्से में है, हम फ्रस्ट्रेशन में है और तुरंत ही हमने हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर को फोन लगाया और उसके बाद हमको वहां से एक मजेदार आवाज आती है और वो सामने से बोलते हैं, वेलकम टू जियो, हाउ मे आई हेल्प यू सर। बस उसी एक आवाज़ ने हमें काफ़ी दहला दिया, फिर भी हमारा गुस्सा भी हुआ है, ठंडा नहीं हुआ है, तो हमने फिर भी हमारे गुस्से में पूरी की पूरी हमारी जो भी बात है, हमारा जो भी फ्रस्ट्रेशन है, उसको बता दिया। यहाँ पे आपको एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, हमने जो भी बात की, सामने वाला जो हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर है उसने काफ़ी ध्यान से सुना, उसने शुरुआत ही वहाँ से की थी, वेलकम टू जियो, हाउ मे आई हेल्प यू। उसके बाद हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्होंने काफ़ी ध्यान से सुनी। एक बार उसने अपनी पूरी की पूरी हमारी बात है ना, पूरी की पूरी भड़ास है उन सामने वाले इंसान पे डाल दी, टेलीकॉम ऑपरेटर पे डाल दी। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम था ना दोस्तों, मज़ेदार बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम था ना, 50% यूं ही वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। जी हाँ, यही एक कला है दोस्तों लिसनिंग स्किल की। उसने आपकी बात पूरी की पूरी ध्यान से सुनी और आपका 50% जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, यहाँ पे फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। 50% तो हम यूं ही अभी ठंडे हो चुके हैं, बाकी का जो 50% हुआ वो अभी टेलीकॉम ऑपरेटर आपको क्या बताएंगा मालूम है कि सर, अभी आपके एरिया में हमारे नेटवर्किंग इश्यू हम फेस कर रहे हैं, हम इसको जल्द से जल्द या तो 3 या 4 दिन में हम इसको रिजोल्व करेंगे, तब तक हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ऐसी यूं ही एक बात बता दी ना उन्होंने, तो हमारा जो भी गुस्सा है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, बस यूं ही वो काम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से लिसनिंग स्किल है ना, वो काफ़ी इफेक्टिव है। एक और मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, आप है ना एक्टिव को नोट करना, आप जिस किसी से भी सलाह लेते हो ना, कंसल्ट लेते हो ना, आप एक चीज़ काफ़ी ध्यान से आप गौर करना, आप जब कभी भी उसके कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हो ना, तो वो आपकी बात पूरे अटेंशन से सुनते हैं। जी हाँ, आप वो हमारी बात पूरी अटेंशन से सुनते हैं और उसके बाद ही उसका प्रति उत्तर, यानी कि वो हमको आंसर प्रोवाइड करते हैं। नंबर दो पे आएगा विथ होल्ड जजमेंट। जी हाँ, हम जब कभी भी किसी के साथ बातचीत कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि हम उनकी बात पूरी समझदारी से समझे। जी हाँ, हो सकता है हमें उनकी बात में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, फिर भी हमें उनकी बात सुनना है, हमारा माइंड ओपन माइंड रख के हमको उनकी बात सुनना है। आज यहाँ पे एक पर्सनल बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरे स्पिरिचुअल गुरु है सतश्री, वो हमेशा एक बात बताते हैं कि कोई भी इंसान होता है ना, वो पैसों या अपने रुतबों से बड़ा नहीं होता, वो हमेशा अपनी समझ से बड़े होते हैं। एक्टिव लिसनिंग के तीसरे नंबर पर है क्लेरिफाई। डोंट बी शाई टू आस्क
एनी क्वेश्चन। जी हाँ, आप जब कभी भी बातचीत कर रहे हो ना, तो आपको शर्माना नहीं है, क्वेश्चन पूछना वो भी एक आर्ट है दोस्तों। और क्वेश्चन पूछ के ही आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको कोई भी ड्यूरिंग कन्वर्जन आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है, तो आप प्लीज बेझिझक आप उसको पूछ लीजिए। एक्टिव लिसनिंग स्किल के नंबर 4 पे है समराइज। जी हाँ, अभी आपने पूरा बातचीत अपना कन्वर्जन अपना पूरा कर लिया है, आप चाहे आप कहीं मीटिंग में हो या कहीं पे भी आप कोई भी बात अपना प्रस्ताव रखने के लिए गए हो, तो आपने जब अभी आपको लग रहा है कि मैंने हाँ पूरी बात अभी रख दी है, वहाँ पे अपनी बात बता दी है, उसके बाद आपको उसको समराइज करना है कि आज हमने ये चीज बात की है, उसका नेक्स्ट स्टेप अभी ये रहेगा करके आप पूरा का पूरा आप समराइज कर दीजिए कि जिससे सामने वाले इंसान को भी क्लैरिटी उससे हो। 5वें नंबर पर है शेयर। यू कैन इंट्रोड्यूस योर आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस और सजेशंस। जी हाँ, आपने अभी सामने वाले इंसान ने अपनी बात पूरी कर दी है, आपने उसको काफी अच्छे से सुना है, अभी आपकी बारी है, आपके कोई आइडियाज है, आपने जो प्रपोजल लेके जिस पर्पज से आप वहां पे गए थे, आप जो जिस पर्पज से आप उनके साथ बातचीत करना है, अभी वो समय आ चुका है, अभी आप अपने आइडियाज वहां पे रखिए, आपकी जो फीलिंग्स है वो आप उनको बताइए। तो ये हो गया पूरा का पूरा शेयरिंग सेक्शन। तो आज मैंने आपको बताए 5 शानदार टॉपिक जिससे कि आप अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल को बढ़ा सकते हो। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया पे अटेंशन, आपको पूरी अच्छी तरह से पूरा अटेंशन देके आपको सामने वाले इंसान की बात सुननी है। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया विथ होल्ड जजमेंट। जी हाँ, आपको ओपन माइंड रख के आपको सामने वाले इंसान की बात को अच्छी तरह से सुनना है। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया क्लेरिफाई, आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो मेक श्योर के आप उसी वक्त वहां पे पूछ ले। नंबर 4 पे मैंने आपको बताया समराइज, आप जो भी बातचीत कर रहे हो, जो भी आपने बातचीत किया उसको आप एक बार समराइज कर दीजिए कि आज की तारीख में, आज के दिन में हमने ये बातचीत की है। नंबर 5 पे आएगा शेयर, आप जो भी आइडिया सजेशन थॉट्स आपके पास जो बातचीत है, आपको जो लेके वहां पे गए थे, मेक श्योर कि आप वो भी वहां पे बताएं। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि इससे आपके रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो गए आपके क्लाइंट के साथ, आपकी फैमिली में, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून।